मोहन भागवत मान तो क्या है, जाति ब्राह्मणों ने बनाई, वो तो रबड़ की मोर है, राष्ट्रपति नहीं, रबड़ की मोर है। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वो चमत्कारी है, चिड़िया बना के उड़ा, वो पाखंडी है, सारे पाखंडी है। चाय बनाने ने रेल बेच दी, रेल का निजीकरण हो गया, हवाई जहाज बेच दी, छोटा क्या है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा की ज्योति जलाई ना होती तो बाबा साहब की लंदन में पढ़ाई नहीं होती। ब्राह्मण बाणिया राजपूत तीन चौरण जातियों ने इस देश का शोषण किया। आरएसएस वाले इस देश को बर्बाद करना चाहते, ये हिंदू राष्ट्र नहीं, इस देश की एकता अखंडता को खतरा है। इतना खुला बोलते हैं, डर नहीं लगता? मरने को भय न। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। ये भारत गांधी का देश कहा जाता है। गांधी जिन्होंने भारत को आजाद करने के लिए अपनी जिंदगी को भारत के नाम कर दिया और अपनी पूरी जीवन को भारत को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष में बिता दिया, वो थे उस दौर के गांधी। हमारे साथ एक बाबा मौजूद हैं, इनको आज का गांधी कहा जाता है। ये आज के गांधी की तरह ही जो है धोती चश्मा, वही गेटअप जो है गांधी की तरह है, और इसीलिए इन्हें आज का गांधी कहा जाता है। और ये तमाम मुद्दों पर जो है संघर्ष भी करते हैं उसी गांधी की तरह। बाबा, जो आज का भारत है, क्या वही भारत है जिसके सपने गांधी ने देखे थे, नेहरू ने देखे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, गांधी ने देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए बाबा साहब की बात को मान के, भाई देश की एकता अखंडता संविधान की रचना करने के बाबा साहब को अधिकार दिया। अबे ऐसा संविधान बने देश की एकता अखंडता, आज देश की एकता अखंडता खतरे में है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। गांधी जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए बाबा साहब और गांधी के विचार नहीं मिले, फिर उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए दोनों ने समझौता किया। विचारधारा अलग अलग थी लेकिन गांधी ने मानना पड़ा, अच्छा अमेरिकन देश का संविधान लिख के, ऐसा संविधान लिख के देखा जब सभी को समानता का, सभी धर्मों को, तो गांधी ने संविधान को लागू करवाने के लिए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। दलित आदिवासी पिछड़े को अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार, बोलने का अधिकार, कपड़े लत्ते का, दलितों की तो बुरी हालत थी। अब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, हमें अधिकार मिले, संविधान से अधिकार मिले, करंट में नहीं, जमीनी स्तर पर जो है वो अधिकार मिले, कभी वो बराबरी मिली नहीं। बराबरी नहीं, जो हमने अधिकार बाबा सामने दिए, जो हमें पढ़ने लिखने का शिक्षा का अधिकार कौन दिया? महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, उनकी बदौलत आज महिला, पहली शिक्षा महिला थी जिसने शिक्षा का की ज्योति जलाई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा की ज्योति जलाई ना होती तो बाबा साहब की लंदन में पढ़ाई नहीं होती। बाबा साहब को भी पहला पढ़ने का अधिकार मिला था, तो महात्मा ज्योतिबा फुले इस देश के राष्ट्रपिता होने चाहिए थे, लेकिन उनके विचारों की हत्या होगी। सावित्रीबाई फुले पर कीचड़ उछाला, शूद्रों को शिक्षा कहाँ से आई, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार कौन, जबकि दलितों को क्या, हेर गुजर आदिवासी जो ये थे ना, जो अपने आप को, इनको शूद्र का शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा नहीं ले सकता, पढ़ नहीं सकता, धन इकट्ठा नहीं करता, हाँ गुलामी करेगा। ये तीनों वर्ण थे ना, चौथा वर्ण की गुलामी करेगा। मनुस्मृति है कि शूद्र केवल शिक्षा के लिए बनाया, नहीं सेवा के लिए। तो ये शूद्र थे, ये धन इकट्ठा नहीं करता, कोई किम नहीं पढ़ सकता, नहीं आगे बढ़ नहीं सकता, ये हमारी सेवा में सेवा करेगा। तो कुमार बासन बना के सेवा का, चमार वृत्ति बना के सेवा, आराम मौज करेंगे। ब्राह्मण बाणिया राजपूत तीन चौरण जातियों ने इस देश का शोषण किया और इनको गुलाम बनाने की साथ के रखा 5000। बाबा साहब कहते हैं, कहा जाता है कि ये जो जातियां हैं वो अंग्रेजों ने दी है, ग्रंथों में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मोहन भागवत मान तो क्या है, आरएसएस का राष्ट्र अध्यक्ष है मोहन भागवत, अगर जाति ब्राह्मणों ने बनाई, उसने इस बात को मान लिया है, अगर जाति व्यवस्था केवल ब्राह्मणों ने बनाई, ये मोहन भागवत के मानने से वही सच हो जाता है। ब्राह्मणों ने बनाई तो भगवान थोड़ी बनाई है, जाति तो ब्राह्मणों ने बनाई, जाति व्यवस्था केवल ब्राह्मणों ने बनाई, वो ब्राह्मणों पर कह रहा है
ब्राह्मणों की देन है जाति व्यवस्था, जातियों में ऊंच नीच का भेदभाव केवल ब्राह्मण किया, वो मान गए। वो कहते हैं कर्म के आधार पर उसको भेदभाव किया जाता है, कर्म के आधार पर डिसाइड होता है। अच्छा, कर्म के आधार पर शिक्षा का अधिकार नहीं हो, कर्म हो, पढ़ने का अधिकार नहीं, सारे अधिकार कहाँ थे, कर्म क्या करे, जबरदस्ती किया जाती है। दलितों पर पीछे से पानी पियाना, कुत्ता बिल्ली मंदिरों में चढ़ना, आज मंदिरों पर फिल्म, दलितों के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है। हाँ, ये भी करते हैं, करते आए, करते रहेंगे। आप मनुवादी होने से ये अभी देश में हो रहा है, बहन बेटी आज भी रेप हो रहे हैं, महिला देश की महिला कोई सुरक्षित नहीं, न गृहिणी से न कर्मचारी से, कर्मचारियों का शोषण अधिकारी करते हैं, गृहिणी जी वो हमारे देश की राष्ट्रपति भी तो आदिवासी हैं, वो कुछ नहीं बोलती, वो तो रबड़ की मोर है, राष्ट्रपति नहीं रबड़ की मोर है, वो केवल बीजेपी के गुलाम है। राष्ट्रपति में नैतिकता हो तो वहाँ क्या आदिवासियों पर क्या हो रहा है, उसको नैतिकता के आधार पर छोड़ देने की कोशिश। राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया जाता मंदिर में। हाँ तो को जान देना, वो कब मारा था, वो रामनाथ कोविंद की घराली पर कूड़ी मार मार के मंदिर धोया था। ये सारे समझे नहीं है, ये कुर्सी के गुलाम है कई चमचे, राष्ट्रपति कोई पद थोड़ी है, वो तो एक रबड़ की मोर है, केवल राष्ट्रपति नाम तारे का सर्वोच्च पद है। अब जब नए संसद का उद्घाटन करना था, राष्ट्रपति महामहिम है, महिला थी, इनकी बनाई हुई थी, चलो उसको निमंत्रित करना था, उसको वहाँ बैठी रही है, उद्घाटन कर लिया, तो महिलाओं का अपमान नहीं है या बहन बेटियों को सर क्या खान है, महिलाओं को गुमराह करती है, ना कोई बेटी चाहिए, ना भाड़ चाहिए, ना कुर्सी चाहिए। कहते हैं, कहते तो हैं कि अमृत काल है, यही अच्छे दिन है। अमृत काल से रह जाओ, कोई भी अरे 75 साल तो अमृत मना रहे थे, अब हिंदू राष्ट्र की क्यों बात कर रहे थे, वो देवेंद्र शास्त्री क्या है, किसका कौन है, किसका कौन है, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वो चमत्कारी है, चिड़िया बना के उड़ा, वो पाखंडी है, सारे पाखंडी, पाखंड से देश नहीं चलेगा, सच्चाई और ईमानदारी से ना धर्म से चलेगा। कैंसर की बीमारी के लिए दिव्य पर्ची लाने वाले हैं। हाँ, सारा कैंसर का फिर अस्पताल में बंद कर दो, कैंसर वाला बंद कर दो, मंदिरा में घेर दो, देवेंद्र शास्त्री घेर दो, सारा इलाज हो जाएगा, एक एम्स का ताला लगा दो, क्यों तनखा इतनी डॉक्टर हो तनखा दिया, जब मंदिर में जाने से और देवेंद्र शास्त्री ने सारी बीमारी ठीक होता तो क्यों, क्या खातिर अस्पताल खुले हैं, स्कूल शिक्षा भी वहाँ मिलेगी, सारी चीज़ मंदिरा मिलेगी, प्रसाद मिलेगी, गुमराह करते हैं मंदिर, हमारे शिक्षा का मंडल बाबा देश हित में काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोहिनूर वापस लाएंगे, क्या निजीकरण हो गया, शिक्षा पूंजीपतियों के हाथ में गई, सरकार ने दो नीति है, शिक्षा का अधिकार खोज लिया पूंजीपतियों के हाथ में, शिक्षा का निजीकरण हो गया, शिक्षा पूंजीपतियों के हाथ में, गरीबों की शिक्षा छीन ली गई। अब शिक्षित कौन है, एक बकरी चलाने वाला IAS करवा देगा, एक बकरी चलाने वाला डॉक्टर इंजीनियर बना देगा, कहाँ जाएगी फीस, प्राइवेटाइजेशन, सारे महकमे सब प्राइवेटाइजेशन कर दिए, अब इसने तो मिला रसोर, अब कि मैं और रसोर में बेच देगा, ये साफ करके जाएगा, ये जोड़ी लेके फकीर था फकीर बन के चल जाएगा। अरे तू तो चाय बना रहा है, रेल बेच दी चले, चाय बनाने ने रेल बेच दी, रेल का निजीकरण हो गया, हवाई जहाज बेच दी, छोटे क्या है, बोल रहे हैं प्राइवेट कर देंगे तो संस्थाएं ज्यादा अच्छे चलेंगी, घोटाले नहीं होंगे। हाँ, सरकारी में घोटाले ज्यादा। अरे नीरज मोदी अरे जितना ये पैसा लेके भाग जा, अडानी ने 20,000 करोड़ रुपया कितना जवाब दिए, कोई संसद जवाब दियो, ये है कि इस पर धारा लगा के 2 साल की सजा करा दो। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, राहुल गांधी ने जो बोला उसका जवाब संसद में देना चाहिए प्रधानमंत्री का। उसने पूछा था अडानी के खाते में 20,000 रुपये कहाँ से आए, बल्कि उस पर बोलो जातिवाद, मोदी ने गाली दी, जैसे मोदी समाज में गाली दी, मुकदमा दरा कर फटाफट 2 साल की सजा करा दी, उसका अधिकार खोज लिया, बंगला खोज लिया, बंगला खोल दे जंगल मंत्र घेर लेगा टोपड़ी, सच्चाई बकी है, सच छुप नहीं, सच्चाई छुप नहीं सकती, अब तेरी पाखंड घने दिन नहीं चलेगा, जनता जान चुकी है तेरी, अब तेरे बाप राहुल गांधी तो इंडिया की बुराई करते हैं विदेशों में जाके, पार्टी का नाम इंडिया रख लेते हैं, क्या कहा, क्यों राहुल गांधी क्या बुराई करे,
वो ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हाँ जब सही है राहुल गांधी, हिंदू राष्ट्र की बात करें जब वो सही है, देशभक्त है, इंडिया कह दिया, अंग्रेजी में इंडिया भी की, अब ये सारे इंडिया लिखे रहा है, अब वो मिटा देने भारत इंडिया भी है, अंग्रेजी में इंडिया कह दे, भारत कह दे, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को कहने, वो इनकी धारी हिंदुस्तान को कहने, हिंदुआ का स्थान है वो, भारत कैसे, इंडिया कैसे, भारत कैसे, क्या आपत्ति है। योगी कहते हैं कि सारे चोर जो थे इंडिया नाम से नहीं होने वाले, सुनिए ना, कह रहे हैं कि नाम इंडिया रखने से कुछ नहीं होता, चोर थे चोर ही रहेंगे। आज तू साहूकार से, तेरा जैसा देशद्रोही जैसा मुख्यमंत्री, तेरी जरूरत क्या थी वहाँ गोरखपुर में? अरे महाराजा बड़ा, महाराज आज तू राजा से बड़ा हो तो महाराज छोड़ के तू पाखंडी कुर्सी पर बैठा, तेरी इज्जत वहाँ थी, महाराज बड़ा था, राजा से बड़ा, अरे महाराज थी राजा बन गया, पहले राजा से महाराज बनते थे, राज को छोड़ गया, तो सत्ता लोग भी है, आरस्त का गुलाम है, आरस्त का गुलाम है, योगी नहीं भोगी है, सारा दुराचारी थी सारा, ब्रेस्ट पाखंडी और बलात्कारी थी सारा, भाजपा के ये जो गुंडे हैं ना, कंवारे रांडे हैं, ये कम बेटी के बोले, इनको तो एक ही उद्देश्य है, जनता को गुमराह करो, सत्ता पर काबिज हो जाओ। वो तो देश हित के लिए परिवार को छोड़ के आए हैं। परिवार तो हम भी छोड़ दें, परिवार क्यों, परिवार छोड़ दे वो सही हो, जो आदमी परिवार छोड़ के आ गया, मैं परिवार थोड़ी छोड़ रहा हूँ, सारा परिवार संपन्न करके अपना अपनी जगह लगा लिया, कमाओ, परिवार तो था, कमाए खाए को रंडा थी, अब वो अपने बच्चों को घर नहीं बसा सके, देश कैसे चलाएगा? अरे किराए का मकान नहीं देते रंडे को, अब बाल बच्चे हैं, बोल माँ बोल भाइया, हमने देश सौंप दिया रंडों को, रंडुओं को देश सौंप दिया, इनके बच्चे हैं नहीं, इनके बीमारी नहीं, बच्चे कहाँ से होंगे? अरे बेटी की क्या जाने, बेटी तो जिसका बेटी है उसने पता है बेटी की सार क्या है, ये पाखंडी है, को बेटी बचाओ, वो कहते हैं बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित हमारी सरकार है, बेटी पढ़ाओ, उनके साथ बलात्कार करो, उनकी भावना को दबा दो, अब तुम पाखंडी है, को बेटियां करना, इतना खुला बोलते हैं, डर नहीं लगता? मैंने को बहन है, आरएसएस वाले इस देश को बर्बाद करना चाहते, ये हिंदू राष्ट्र नहीं, इस देश की एकता अखंडता को खतरा है, आज देश की एकता बरकरार रखनी है, संविधान की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, तो नंदा भाई राजपूत की तरह क्रांतिकारी की जरूरत है, कि गांधी की, मैं क्रांतिकारी हूँ, गांधी ने देश के लिए काम किया, देखो एक तक संस्था को तो बचाए रखा, देश की एक चिन्ह करना था, एक जिन्ना ने पाकिस्तान दे दिया, बाकी तो वो टूटना था, बाबा साहब ने अस्तित्वदान की मांग कर ली, बोले भाई जब हम तुम्हें हैं नहीं, अब वो गांधी ने शर्त धरते में ला गया, जब अस्तूत एक बोलने देख अस्तित्वदान बन जाएगा, जब सिख खालिस्तान मांगने फिर चीज बोला दूसरा, तो उन्हें समझौता करना पड़ा, ऐसा संविधान लिख जिससे सभी धर्मों को समानता, देश राष्ट्र की एकता अखंडता बनी रहे। तो साफ तौर पर आपने सुना, ये देश जो है गांधी का देश है, बाबा साहब अंबेडकर का देश है, जिन्होंने अपने जीवन को देश हित में समर्पित कर दिया। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज।